बहुत ही आसानी से बन जाती है और मजेदार तैयार होती है ढाबा स्टाइल की तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तीन बड़े बड़े प्याज लिए, ये भी मैंने डाल दिए। लहसुन ये भी डाल दिया। अब इसमें पानी डालेंगे। ये तीन टमाटर हैं, ये इस तरह मैंने काट दिए। ये भी डाल देंगे। अब खुशक मसाले डालते हैं। अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जायफल, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, लौंग, सब्ज मिर्ची, तीन सब्ज मिर्ची भी मैंने डाल दी। अब इसमें पानी डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये एक कटोरा मैंने भर के डाला है और दूसरा मैंने आधे से थोड़ा सा ज्यादा डाला है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। प्रेशर कुकर मैंने खोल दिया है और गोश्त ये देखिए ये अच्छी तरह गल गए। अगर आपकी मर्जी या कढ़ाई में डाल दें ये इसी में भी आप फ्राई कर सकते हैं। मैं इसी में करूँगी। थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ। ऑयल मैंने डाल दिया। इसी के साथ में ये
दो मिनट तक मैंने इसकी अच्छी तरह बुनाई कर ली है। अब इसमें मैं ये एक कपड़ा ही डालती हूँ। इसकी भी अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट में ये अच्छी तरह बुनाई कर ली है। नए कपड़े भी खुश हो गए। ये अलहदा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह बट कढ़ाई मेरी तैयार हो गई है। अभी सभी शॉप करके और आके दिखाते हैं। बट कढ़ाई मेरी तैयार हो गई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें और साथ ही घंटी का बटन प्रेस कर लिया करें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और जिन्होंने प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। अल्लाह ताला आप सबको अपने सुमान में रखें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।